23 मई 2009, बंगाल की खाड़ी से उठा समुद्री तूफान आइला। पीछे छोड़ गया बर्बादी के निशान। आइला ने सुंदरबन से सटे 24 परगना साउथ के ग्रामीण क्षेत्रों को जैसे तबाह कर दिया। बहुत से ग्रामीणों की तरह राजकृष्ण जाना का घर, खेत, सब चारों तरफ बिखरी दलदल ने अपने अंदर समेट लिया। आइला ने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। हमारा सब कुछ खो गया था। ईश्वर की कृपा रही कि परिवार सलामत रहा। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने और ठहरे विकास को गति देने के प्रयास शुरू हुए। अहम रहा महात्मा गांधी नरेगा से विभिन्न योजनाओं का तालमेल। नदी के किनारों पर विशेष प्रजाति की घास की बुआई की गई। लगाए गए मैनग्रोव। कटान वाले क्षेत्रों में ईंटों की दीवार से रोक। नदी का पानी गांव में प्रवेश न कर सके, इसके लिए तटबंधों को ऊंचा किया गया। ग्रामीण रास्तों पर किया गया वृक्षारोपण। अब हालात पहले से अच्छे हैं। पहले रास्ते टूट फूट गए थे। गांव वालों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो गया था, मगर अब ऐसा नहीं है। आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। इससे लोगों को कामकाज में आसानी हुई है, विकास में भी तेजी आई है। राजकृष्ण जाना और उनका परिवार भी हुआ महात्मा गांधी नरेगा की तालमेल प्रक्रिया से लाभान्वित। मत्स्य पालन के तहत मनरेगा कर्मियों द्वारा उनकी जमीन पर बने छोटे से तालाब को बड़ा किया गया। आज तालाब की मछलियां कमाई का साधन तो हैं ही, साथ ही पूरी कर रही हैं परिवार की जरूरत। कृषि कार्यों के अतिरिक्त घर के पिछले हिस्से में बागबानी के लिए उपलब्ध कराए गए अमरूद के पेड़ आज परिवार की अतिरिक्त आमदनी का साधन है। मनरेगा से बदले जीवन के हालात। आज राजकृष्ण जाना और उनका परिवार उदाहरण है तरक्की का, समृद्धि का। मनरेगा से हमें काफी फायदा हुआ है। हमारा तालाब चौड़ा होने से मछलियों से होने वाली आमदनी बढ़ी है। बागवानी का काम भी अच्छा है। मेरा लड़का अब गाइड बन गया है। सीजन में अच्छा कमा लेता है। खेत से भी कमाई होती है। मैं काम कर रहा हूँ, लड़का काम कर रहा है, घर अच्छे से चल रहा है। अब हमारी आमदनी पहले से कहीं अधिक है। हमारा भविष्य अब अधिक सुरक्षित है। हाँ, ये दास्तान अकेले राजकृष्ण जाना और उनके परिवार की नहीं, बल्कि ऐसे बहुत से परिवारों की है जिनके जीवन को सार्थक दिशा दी महात्मा गांधी नरेगा ने। सुखद रहा मनरेगा से विभिन्न योजनाओं का तालमेल। सुंदरबन से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को मिले हैं नए आयाम। जारी है कामयाबी का सफर।